मनोज बड़ी तेजी से भाग रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे एक पुरानी कोठी नजर आती है। मनोज उसमें घुस जाता है। उस कोठी में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। बाल बाल बच गया, अगर आज पकड़ा जाता ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कब तक ऐसे ही भागोगे? भाग कर जाओगे कहाँ तक? आज नहीं तो कल इसका जुर्माना भरना ही होगा तुमको। कब तक ऐसे ही चोरी करते रहोगे बताओ? वो बुजुर्ग औरत समझ जाती है कि मनोज एक चोर है। वो बुजुर्ग औरत उससे पूछती है, चोरी क्यों करते हो? क्या वजह है चोरी की? लालच या फिर मजबूरी? लालच के वजह से मैं चोरी नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है। मेरी 10 साल की लड़की है जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और कस्बे में दवाई बहुत महंगी मिलती है, इसीलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी के। अम्मी, मेरी बेटी शिवानी को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? जी, भूख तो लगी है मुझे। वो बुजुर्ग औरत मनोज को अपने हाथों से मैगी बनाकर देती है। वो पहले क्या करता था उस बारे में पूछती है। पहले मैं कस्बे में मिल्कशेक बेचा करता था, लेकिन वो धंधा भी बंद पड़ गया, इसीलिए मैं अपने बच्चे के खातिर मैं चोरी करने लग गया। बुजुर्ग औरत उससे कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें चोरी छोड़नी होगी और जिस जिस से तुमने पैसे चुराए हैं उन्हें जाकर वो पैसे वापस करने होंगे। अम्मी जी, मेरी मदद कीजिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तुम अपना काम बाएं हाथ से करते हो या दाएं हाथ से? जी, मैं अपना काम दाएं हाथ से करता हूँ। फिर ठीक है। बुजुर्ग वो चम्मच मनोज को देती है। वो कोई ऐसा वैसा चम्मच नहीं था, वो जादुई चम्मच था। ये जादुई चम्मच है, आज से तुम नया काम शुरू करना। मेरे घर से मैगी ले जाओ और मैगी मिल्कशेक बनाना शुरू कर दो। और याद रखना, इस चम्मच को हमेशा अपने दाएं हाथ से इस्तेमाल करना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मनोज चम्मच और कुछ मैगी लेकर घर चला जाता है। घर में उसकी बेटी शिवानी बहुत बीमार थी। शिवानी को देखकर मनोज उससे कहता है, तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अब्बू सब संभाल लेंगे। पापा, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं कल से मैगी बेचना शुरू कर दूंगा। मगर पापा, आपको मैगी बनानी आती है? नहीं बेटा, अब वो कल ही जाकर देखना पड़ेगा। एक अच्छी अम्मा ने मुझे मैगी मिल्कशेक बेचने के लिए कहा है, तो मैं कल से मैं मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मनोज अपने ठेले पर पहुंच जाता है और बुजुर्ग औरत के दिए हुए चम्मच से मैगी को मिलाने लगता है। जब वो मैगी मिल्कशेक बना रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। फिर से मिल्कशेक का धंधा शुरू कर दिया? मिल्कशेक तो मगर इस कस्बे में बिकती नहीं है, तो क्यों फिर से धंधा शुरू कर रहे हो? ये सिर्फ मिल्कशेक नहीं है, ये मैगी मिल्कशेक है। मैगी मिल्कशेक? लाओ जरा, मैं भी चेक कर देखूं कि तुम कैसी मिल्कशेक बनाकर कस्बे में बेच रहे हो। हाँ, अभी देता हूँ। मनोज उस आदमी को मैगी मिल्कशेक का एक बोल देता है। वो आदमी जैसे ही उसे खाता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, वाह मनोज भाई वाह, ये तो बहुत ही लजीज है, इसे खाकर मानो दिल को सुकून मिल गया। लाओ भाई, एक प्लेट और बनाकर दे दो। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे करके मनोज की मैगी मिल्कशेक अच्छे से बिकने लगी। मनोज सबके चुराए पैसे भी वापस कर देता है। बस जमींदार के पैसे वापस करने बाकी रह गए थे। मनोज जमींदार के घर जाता है और उससे कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके पास से कई दिनों पहले कुछ पैसे चुराए थे, मैं आपको वो पैसे वापस देने आया हूँ और साथ में दुकान की मैगी मिल्कशेक भी लेकर आया हूँ।
बताओ, मेरे घर से तुमने पैसे चुराए और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पास पैसे इतने हैं, इसीलिए मैं भूल ही जाता हूँ। मगर तुमने मेरे घर से चोरी की थी, मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। उसके दो गुने पैसे लाकर देने होंगे तुम्हें। जी, मैं दो गुने पैसे लेकर आया हूँ। जिसके घर से मैंने पैसे चुराए थे, उन सबको मैं दो गुनी पैसे ही दे रहा हूँ, और साथ में अपनी मैगी मिल्कशेक भी। मनोज जमींदार को पैसे वापस दे देता है। जमींदार हैरानी में पड़ जाता है कि ये मनोज के पास इतने पैसे आए कैसे। वो ये सब चुराए हुए रकम का दुगना वापस कर रहा है। जमींदार अपने चेले गुल्लू को बुलाता है। ए गुल्लू, ये कस्बे का चोर मनोज अचानक से इतना रहीस कैसे हो गया? आखिर किसके घर पे इतना बड़ा डाका डाला है इसने? डाका नहीं, धंधा खोला है मनोज ने, मैगी मिल्कशेक का, जो पूरे कस्बे में मशहूर हो गया है। मैंने सुना था कि उसकी मैगी मिल्कशेक खा के ही दिल में एक सुकून मिल जाता है। अच्छा, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं इस मैगी मिल्कशेक को। जमींदार मैगी मिल्कशेक को चक्कर देखता है। वो कितना लजीज है ये मैगी मिल्कशेक। अब समझ में आया कि क्यों इस मनोज के पास इतने पैसे आए हैं। मालिक, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कोई ना कोई तो राज जरूर होगा जो वो इतना लजीज मैगी मिल्कशेक बना रहा है। जाओ गुल्लू, जरा देख कर आओ क्या माजरा है। गुल्लू अगले दिन मनोज की दुकान पर जाता है ये देखने कि वो मैगी मिल्कशेक को किस तरह से बनाता है। पहुँचते ही वो मनोज से कहता है। अरे मनोज, लाओ भाई मुझे एक प्लेट मैगी मिल्कशेक देना। हाँ गुल्लू, अभी देता हूँ। मनोज गुल्लू को एक प्लेट मैगी मिल्कशेक देता है। मिल्कशेक खाते खाते गुल्लू मनोज से सवाल पूछता है। अरे मनोज भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी लजीज जो मैगी मिल्कशेक बनाते हो, उसका राज क्या है भाई? उसका राज ये चम्मच है, ये जादुई चम्मच है। उस कढ़ाई का खाना बहुत ही लजीज हो जाता है। क्या है इस चम्मच में? मनोज गुल्लू को अपनी बेटी से लेकर उस बुजुर्ग औरत तक का सारा किस्सा बता देता है, और गुल्लू सारी बातें सुनकर जाकर जमींदार को बता देता है। तो ये माजरा है गुल्लू, मुझे वो चम्मच चाहिए। मैं खुद का मैगी मिल्कशेक का धंधा शुरू करना चाहता हूँ। तो मालिक, आपने आगे क्या सोचा है? हम दोनों उसके दुकान में जाकर उससे वो चम्मच चुरा लेंगे। चोर के घर पर चोरी। मालिक, आप तो बड़े चोर निकले। चुप रहो और रात होते ही मेरे साथ चलना। रात होते ही जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर मनोज की दुकान में घुस जाते हैं और उस चम्मच को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी गुल्लू को वो चम्मच नजर आ जाती है। मालिक, ये देखिए, वो जादुई चम्मच यहाँ पर रखा हुआ है। तो देख क्या रहा है बुद्धू, उठा कर लेकर आ। अगली सुबह जब मनोज अपनी दुकान पर आता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका चम्मच नहीं रखा होता है। वो हर जगह अपनी चम्मच को ढूंढता है, मगर उसे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आता। आज पहली बार था जब उसकी बेटी उसके साथ दुकान तक चल कर आई थी। बेटा, मैंने यहीं पर वो चम्मच रखी थी, लेकिन मुझे वो चम्मच कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं पापा, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ पूरी तरह। आज से हम दोनों साथ मिलकर खूब मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले ने लिया, ऊपर वाले का ही कुछ होगा। और दूसरी ओर जमींदार और गुल्लू दोनों मिलकर खुद की मैगी मिल्कशेक की दुकान खोलते हैं। मगर एक बात उनमें अलग थी, जमींदार और गुल्लू दोनों ही बाएं हाथ से अपना काम किया करते थे। बुढ़िया ने चम्मच देते वक्त मनोज से कहा था, अच्छा है तुम दाएं हाथ से काम करते हो, क्योंकि अगर बाएं हाथ से काम करते तो ये चम्मच उल्टा काम करता। औरत वहां से गुजरती है और जमींदार की मैगी मिल्कशेक को देखकर वहां पर रुक जाती है। अरे जमींदार साहब, आपने भी मैगी मिल्कशेक बेचना शुरू कर दिया? जी हाँ, पूरे कस्बे में सबसे बेहतरीन मैगी मिल्कशेक मैं बनाता हूँ।
उस मनोज से भी अच्छा। अगर ऐसा है तो मुझे भी खिलाइए ना ये मैगी मिल्कशेक। जी अभी खिलाता हूँ। ए गुल्लू, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी मिल्कशेक दे इन्हें। जी मालिक। गुल्लू एक प्लेट मैगी मिल्कशेक निकाल कर ग्राहक को दे देता है। दिखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। जैसे ही वो औरत एक चम्मच उस मैगी मिल्कशेक का निवाला खाती है, वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। छी, ये क्या खिला दिया आपने मुझे? इतना गंदा मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खाया। अब जमींदार होकर अपने ग्राहकों को इतना गंदा खाना खिलाते हो? अरे गुल्लू, जरा मुझे चखने के लिए देना। उसे खाते ही वो गुल्लू से कहता है, छी गुल्लू, तुमने बनाने के बाद इसे चखा नहीं था क्या? जब ये सब हो रहा था तभी वहाँ पर प्रधान और मनोज आ जाते हैं और जमींदार से कहते हैं, जमींदार, जिस चम्मच को तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो चम्मच मनोज का है, उसे वो चम्मच वापस कर दो। नहीं प्रधान जी, आपको तो पता है कि ये मनोज चोरी किया करता था, इसने ये चम्मच मुझसे चुरा लिया था, मैंने बस मेरा सामान मुझसे वापस लिया है। झूठ, साफ साफ झूठ, क्योंकि ये चम्मच मेरे पूर्वजों का है जिसे मेरे अम्मी ने मनोज को दिया था। वो बुजुर्ग औरत प्रधान जी की माँ थी और रात के वक्त प्रधान जी गांव के काम से लेट घर जा रहे थे, तभी उन्होंने जमींदार और गुल्लू को मनोज की दुकान से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया प्रधान जी, मैंने तो सब कुछ जमींदार जी के कहने पर किया था। मुझे माफ कर दीजिए प्रधान जी। अभी के अभी तुम दोनों को कस्बे से निकाला जाता है। जमींदार और गुल्लू दोनों को प्रधान जी गांव से बाहर निकाल देते हैं और मनोज के पास वापस उसकी चम्मच आ जाती है।